ये खबर स्कूल में वितरण किए जाने वाले मिड डे मील से जुड़ी हुई है, जहां एक प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। पूरा मामला जनपद कासगंज के विकास खंड सहावर के ग्राम जमालपुर में प्राथमिक विद्यालय में कम मिड डे मील वितरण किए जाने का मामला सामने आया है, जहां बच्चों को दूध वितरण की कमी की बात उजागर हुई थी। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्राथमिक विद्यालय जमालपुर विकास खंड शहाबर में MDM के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दूध और बच्चों को मिड डे मील में मोनू के अनुसार भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत पर प्राथमिक विद्यालय की जाँच कराई गयी और जिलाधिकारी ने खाद्य वितरण अधिकारी विजय कुमार को जांच करने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने रसोईया कर्मचारियों एवं प्रधानाचार्य गंगा सिंह के बयान दर्ज किए। इस दौरान प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। वहीं ग्रामीण और अभिभावकों ने जाँच अधिकारी को बताया कि स्कूल में मिड डे मील के अनुसार छात्र छात्राओं को खाना नहीं दिया जाता है। वहीं ये बात जाँच में भी साफ हो पाई। इस मामले में अनियमितता मिलने पर प्रधानाचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आपको स्कूल में कभी फल मिले हैं? कभी नहीं मिले फल? रसोई में खाना बनाता है। अच्छा, क्या कैसा क्या सामान आता है यहाँ पे बच्चों के लिए? दूध आता 6.5 किलो, बांटी डेढ़ लीटर, डेढ़ बांटी पानी लगता है। अच्छा, तब बच्चों को देते हैं? तब बच्चे 500 के करीब है स्कूल में। हाँ, बच्चे 500 हैं। तो कितना कितना आता है उनके हिस्से में? थोड़ा थोड़ा आता होगा। चिमचा आने का भैया, तो अम्मा क्या होता है इसमें, इस चिमचे से चाय बटती है? चाय बटती बच्चों को दूध की जगह? आधा चमचा दिया जाता है बच्चों को। मैम, ये सहावर विकासखंड के जमालपुर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के निलंबन का मामला है, क्या मामला है ये? प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में जो MDM के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त होने के क्रम में इसकी औचक रूप से जांच कराई गई और औचक जांच में पाया गया कि जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हो रही है और मौके पे जो प्रधानाध्यापक के द्वारा MDM की जितनी मात्रा में खाना दिया जाना था और जितनी क्वांटिटी आदि का कार्य किया जाना था, रिकॉर्डिंग की जानी थी, उसके क्रम में उनके द्वारा उतना वितरण नहीं किया गया पाया गया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।